तो चलो बच्चों, एटॉमिक स्ट्रक्चर का लेक्चर नंबर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम 2 करते हैं, ठीक है। फर्स्ट वाला आप देख लिए हो, मज़ा आ गया होगा। उतना तो सीख लोगे, उतना कर लोगे तो यार तुम्हें अंदर मतलब एकदम कॉन्फिडेंस डेवलप हो जाएगा क्वेश्चन में, कि यार जब क्वेश्चन करोगे तो बहुत स्मूथली होगा। तो यार मुझे याद करोगी, हाँ कोई मतलब कोई पढ़ाया था यार मुझे। द एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इन द ग्राउंड स्टेट इज 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हाइड्रोजन है, ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन है, और उसकी एनर्जी, ये कौन सी एनर्जी भैया? तीन टाइप की एनर्जी होती है। तो जब नहीं बताया गया तो एनर्जी का मतलब टोटल एनर्जी, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ हीलियम आयन इन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में हीलियम का एनर्जी कितना होगा? अब ये हाइड्रोजन है, ये न्यूक्लियस है, और ये आ गया प्यारे बच्चों एन इज इक्वल टू 1 और एन इज इक्वल टू 2। तो ये जो होती है एन इज इक्वल टू 2, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो ये वाली जो चीज़ है वो यही फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट है यार। तो हाइड्रोजन के लिए अगर देखोगे तो एनर्जी इन nth ऑर्बिट जो होती है वो होती है -13.6 एन स्क्वायर जेड स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो एनर्जी होती है, हम सबको पता है। अब हाइड्रोजन एटम है, ग्राउंड में है, तो हाइड्रोजन के लिए अगर देखोगे तो हाइड्रोजन के लिए आ जाएगा एनर्जी, वो आ जाएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि जेड की वैल्यू 1 है और एन की वैल्यू भी 1 है ग्राउंड स्टेट के लिए। बट हीलियम का क्या होगा, हीलियम आयन के लिए क्या होगा, हीलियम प्लस के लिए क्या होगा? तो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब एन इज इक्वल टू 2 और जेड की वैल्यू भी 2 है हीलियम के लिए, तो जेड की वैल्यू 2 है, तो एनर्जी इन एन ऑर्बिट इज इक्वल टू -13.6 और मल्टीप्लाई कर दूँ जेड का स्क्वायर, हाइड्रोजन हीलियम 2 का स्क्वायर, और इधर मल्टीप्लाई कर दूँ 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर ने 2 का स्क्वायर को खा गया, तो 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी मतलब सेम होगा, या इसी को हम दूसरे तरह से कह सकते हैं कि ग्राउंड स्टेट में हाइड्रोजन की टोटल एनर्जी हीलियम का फर्स्ट एक्साइटेशन में एनर्जी के इक्वल होता है ना। इंटरेस्टिंग बात।